हे एवरीवन, वेलकम अगेन। न्यूमरोलॉजी में हम बात कर रहे थे नंबर 3 की क्वालिटीज़ हमने कर ली थी। आज हम उनके जो है वीकनेस पे डिस्कस करने वाले हैं। और आज मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि मैं अपनी ही वीक पॉइंट्स आपके सामने बता रही हूँ, क्योंकि ये नंबर 3 जो है ये मेरा पर्सनल फेवरेट नंबर है, क्योंकि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी कैलकुलेट करके नंबर 3 ही आता है। तो मेरा ड्राइवर नंबर भी 3 है, तो इस करके जो है मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि मैं अपनी वीकनेस के बारे में बता रही हूँ। फिर आई थॉट कि क्योंकि ड्राइवर नंबर जैसे कि 3 है, लेकिन ये किस किस के मेल से बना है। जैसे सिंगल नंबर 3 है, 1-2 करके भी 3 है, 2-1 करके भी 3 है, और 3-0 करके भी 3 आता है। तो डिपेंड करता है, क्योंकि इन चीज़ों का भी, क्योंकि ये भी अपनी क्वालिटीज़ को लिए हुए आते हैं। और जो सेकंड चीज़ है वो है कि आपका कंडक्टर नंबर क्या है, उस चीज़ का भी आपके ड्राइवर नंबर पर फ़र्क पड़ता है समहाउ। अगर हम बात करते हैं नंबर 3 के वीकनेस पॉइंट की, क्योंकि जो आपके बेस्ट पॉइंट्स हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ होती है, वही एक टाइम पर जाके जो है वीकनेस आपकी बन जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ नंबर 3 की, तो ये गिवर होते हैं, ठीक है, ये रिसीवर कम होते हैं, लेकिन ये गिवर ज़्यादा होते हैं। ये अपना अपनी भूख प्यास नहीं देखते, ये कुछ भी नहीं देखते, ये सामने वाले की जितनी हो सकता है उतनी हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई सास बहू का अगर मैं बात करूँ, तो बहू ये सोचेगी कि मैं पूरा ऐसा एफर्ट करूँ कि जिसे जो है किसी न किसी दिन ये मान ही जाएंगे। बहुत टाइम जो है वो लगा देती है इसी एफर्ट में, लेकिन जो एनर्जी होती है, जो यूथ होता है, वो सारा का सारा अपने आप को ख़त्म करने में, दूसरों को प्लीज़ करने में जो है वो लगा देते हैं। तो ये जो है उनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है। दूसरी चीज़ ये, बाहर भी जैसे कि फैमिली ओरिएंटेड तो होते ही हैं, लेकिन अपने कहते हैं ना कि यारों के यार, तो ये जो है 3 नंबर बहुत ही जैसे कि फ्रेंड्स के लिए मर मिटने वाले होते हैं। कभी भी फ्रेंड को नीड हो तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ और, ये उसकी हेल्प करते हैं हर तरीके से, जो हेल्प करते हैं। ये अपने लव्ड वंस की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये कभी भी चाहे स्पाउस हो या लव्ड वंस हो या फैमिली हो, किड्स हो, कुछ भी हो, जो भी इनके दिल के करीब होता है, उनको ये नंबर 3 कभी गिरने नहीं देता, कभी हार नहीं मानने देता। और ये मैं अपना नहीं कह रही हूँ, ये मैंने सराउंडिंग एरिया में भी जो मैंने देखा है, मैं उसके आधार पर कह रही हूँ। क्योंकि 3 नंबर हमारे आसपास जो है बहुत अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है, तो उन सबको मैंने काम करते हुए देखा है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि इनका बचपन अलग होता है, यूथ अलग होता है, और 40s के बाद का जो टाइम होता है, 60 के बाद का टाइम और अलग होता है, ठीक है। जब फुल ऑफ एनर्जी होती है, जब बचपन होता है, तब भी इनको जो है वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। इनको ये होता है कि मैं कुछ काम करूँ तो मैं एक अलग से पहचान रखूँ, और जो है मैं अपना बताती हूँ कि जैसे मुझे मेरी ड्यूटी होती थी कि मुझे इंग्लिश में जो है बुक रीड करनी है, ठीक है, और स्कूल में मैं ही रीड करती थी, मे बी इन 5th क्लास, मतलब मैं ही रीड करती थी इंग्लिश वगैरह का। तो न्यू स्टूडेंट आ जाता है और मेरी जगह उसको खड़ा किया जाता है, तो उसके बाद मेरी बारी आती है तो मैं रोने लग जाती हूँ। हालांकि मेरी बारी आई है पढ़ने की, बट आई क्राइड दैट टाइम। क्यों? किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, बट रीज़न क्या है कि मेरी जगह पे मैं क्यों नहीं थी, मेरी जगह पे कोई और क्यों था, ठीक है। तो ये जो नंबर 3 है, ये अपनी जगह सिर्फ खुद को ही देखना पसंद करेंगे, किसी और को देखना पसंद नहीं कर सकते, और किसी और को सहन करेंगे भी नहीं। ये पार्टी की जान होते हैं,
लेकिन उसी पार्टी में अगर उसकी जगह किसी और को बुलाया जाए और बाद में उसको इनवाइट किया जाए तो वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, नो जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप, वो जो है अपने आप को इतना हर्ट फील करते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये सोचते हैं कि हमारे लिए, जब हमें पता है कि प्रायोरिटी कौन है और कौन होना चाहिए, और वहाँ पर अगर आप किसी और को प्रायोरिटी देते हो और फिर उसके बाद आपको कहते हो कि आप करो, तो ये चीज़ें जो है तीन नंबर वाले सहन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहते, ना ही कभी करते हैं। ये आपने देखा होगा कि कहीं लड़ाई भी होती है, कुछ भी होता है, तो तीन नंबर के लोग बाकायदा उतरेंगे, उनको ज्ञान ज़रूर बांट के आएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ज़रूर कह के आएंगे। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन उस फैमिली को प्लीज़ करने के लिए, वैलिडेशन के लिए इनको क्या होता है कि ये अपना सारा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को खाने पे आना है, ठीक है, तो इनके माइंड में तुरंत आता है कि हाँ खाने पे ही नहीं आना है, जिस जगह वो बैठेंगे वो जगह भी साफ़ होनी चाहिए, बहुत बढ़िया चकाचक होनी चाहिए, ठीक है, और जो खाना खाएंगे, जो प्लेट वगैरह होनी है, जो भी यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, सर्विंग के अलग होते हैं और कुकिंग के अलग होते हैं, तो पूरा अपने आप को झोंक देंगे उस चीज़ में कि बेस्ट से बेस्ट। और अगर कहा है कि एक सब्ज़ी बनाओ तो ये कम से कम चार पांच उसमें अलग अलग वेरिएशंस इनके पास होते हैं, ठीक है। ये होता है कि अगर घर में कोई भी बात हो रही होती है, किसी ने इनको हर्ट भी कर रहा होता है, कुछ भी होता है, तो ये उस फीलिंग को अपने अंदर रखेंगे, उस चीज़ को वो कभी भी बाहर नहीं किसी को शो होने देते। यानी कि कहते हैं कि आंसू अगर किसी के हैं, बाहर इतना प्रैक्टिकल होके दिखाएंगे बेअंत, जैसे इनसे ज़्यादा खुश तो कोई है ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ये इतने ज़्यादा, मतलब कहते हैं जिसको कि स्ट्रेस, अपने आप को जैसे चलता रहेगा दिमाग में, वो उस स्ट्रेस से, उस एंग्जाइटी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है, दिमाग में चलता रहेगा, कैसे हो गया, क्यों हो गया, तेरी क्या गलती थी, क्या नहीं थी, ठीक है। तो ये जो है कॉन्टीन्यूसली जो है इन लोगों को इतना स्ट्रेस कर देता है और बाहर किसी को पता भी ना चले, तो इसकी वजह से क्या हो गया, डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है इन लोगों को, कि जिसकी वजह से नर्वस वीक हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि इन लोगों को जो तीन नंबर के जितने भी प्राणी हैं, स्ट्रेस की वजह से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाती है, बिटनेस की वजह से, ठीक है, और हार्ट इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम जो है नंबर तीन के लोग बहुत फेस करते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जो है नंबर तीन के लोग बहुत सहन करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो है नर्वस वीक हो जाती हैं, और वीक होने की वजह से जो है उनको एक्सट्रीम जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।